कल वो यशोदा जी के शपथ ग्रहण में हम लोग गए थे और वहाँ पूछा 2023 में क्या, तो भाई हमारे 71 तो विधायक अभी हैं, तो हमारा टारगेट तो यही रहेगा कि 2023 में भी 71 विधायक रहें। हमारा लक्ष्य पहले से निर्धारित हो गया है, उस आंकड़े को छुएं। मितानिन है, मनरेगा के जो रोजगार सहायक है उन सब से मुलाकात हुई और मैंने चीफ सेक्रेटरी से मैंने कहा इसका अध्ययन करके इसको रिपोर्ट दें। रद्द हो गए अकेले छत्तीसगढ़ में, पहले तो मार्च में 10 ट्रेन, उसके बाद 23 ट्रेन, अब 6 ट्रेन शुरू करने की बात हुई। मतलब स्थिति कितनी भयावह है कि पहले तो लोग अपनी मांग के लिए ट्रेन रुकवाते थे, जब बड़ी बात हो सड़क जाम करते, चक्का जाम करते हैं, रेल रोको आंदोलन होता था, सरकार खुद ही रेल बंद कर रही है। मतलब अब स्थिति उल्टा है, लोग कहते हैं रेल चलाओ, लोग पहले अपने मांग मंगाने के रेल रोकते थे, अब जनता खुद कह रही है कि रेल शुरू करो, यात्री ट्रेन शुरू करो। और आज जो कोयले के जो संकट पूरे देश में अभूतपूर्व हुआ है, इसके कारण से कई राज्यों में बिजली की आपूर्ति वो प्रभावित हो रही है, न केवल पावर प्लांट में बल्कि जो और उद्योग हैं जिसमें कोयला लगता है उसकी पूर्ति पहले बंद कर दी, अब तो जो पावर प्लांट है उसमें कोयले के संकट है। ये तो मिसमैनेजमेंट है भारत सरकार के, जब पिछले समय जब संकट आया था उसी समय से इसकी व्यवस्था कर लेना था, जो नहीं कर पाए। और इसलिए कि गर्मी भी बेहद है और जो मेहनत कश लोग हैं वो ज़्यादा किसान हैं, मजदूर हैं, सब लोग छत्तीसगढ़ की परंपरा रही का वो बड़े बड़े भी किसान भी रहा हो तो गर्मी के दिन में बोरेवासी के उपयोग करते थे, लेकिन अभी कुछ कुछ अभी भी खाते हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, हमारी परंपरा है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। नेता जी से मुलाकात हुई, अब प्रधानमंत्री से मुलाकात, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो अंदर खाने में पक रहा है जो निकट भविष्य में सामने आएगा, और कुछ तो परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तभी लंबे समय से हड़ताल देखिए, उसमें कुछ लोग न्यायालय गए थे, न्यायालय के जो आदेश उसका पालन हम लोग करना पड़ेगा और जो परीक्षाएं होगी उसमें कुछ छूट मिलेगा। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।